हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपीएससी आईएएस प्रीलिम 2019 जो कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराती है। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज इंग्लिश में होगी जिसको ट्रांसलेट हिंदी में भी किया जाएगा। जो स्टूडेंट 2019 में एग्ज़ाम देने वाले हैं आईएएस पीटी का, तो दोस्तों वो इस वीडियो को रेगुलर देखें। दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हम आईएएस प्रीलिम 2019 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि ऑब्जेक्ट बेस की है और जो डेली करंट क्वेश्चन है उसको आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके साथ साथ आपको आपके सब्जेक्ट से भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वह रेलवे के बारे में है, आपको इसके बारे में आपको बताना है। तो देख लेते हैं क्या इसके बारे में पूछा गया है। तो ये पूछा जा रहा है आपसे रेल दृष्टि के बारे में। तो आपको बताना है कि रेल दृष्टि के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। आपके सामने तीन चॉइस हैं, आपको इन तीन में से अपना आंसर चॉइस करना है। पहला जो दिया हुआ स्टेटमेंट वह स्टेटमेंट है कि यह एक डैशबोर्ड है, यह एक डैशबोर्ड है जो कि एक ही मंच पर विभिन्न स्रोतों से जानकारी लाता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है यह केवल रेलवे कर्मचारी के लिए ही उपलब्ध होगा, क्या ये ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है इसे रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपके सामने ये तीन है, किसके बारे में है, रेल दृष्टि के बारे में है जो कि अभी हाल फिलहाल में चालू की गई है। तो अपना आंसर चॉइस कीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है सी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है, आपके सामने आंसर पता चल चुका है, आंसर इसका सी है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय रेलवे में डिजिटलीकरण के सभी प्रयासों को शामिल करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए रेल दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो इसका मतलब पहला जो पॉइंट था वह सही है। दूसरा पॉइंट है इसका, यह एक ही मंच पर विभिन्न स्रोतों से जानकारी लाता है और देश के प्रत्येक नागरिक को प्रमुख संख्याकी और मापदंड तक पहुंचाने के लिए प्रदान करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आज के न्यूज़पेपर से है जो कि करंट है, आज ही के न्यूज़पेपर में ये दिया हुआ था जो कि चागोस आइसलैंड के बारे में है। देख लेते हैं इसके क्या क्या पार्ट हैं। इसके दो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, अगर आपने आज का न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। पहला इसका जो ऑप्शन है यह है, यह आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है, क्या यह अमेरिका के अंतर्गत आता है। दूसरा है कि यह पैसिफियन ओशियन में है। तो आपके सामने ये दो ऑप्शन हैं, तो आप अपना आंसर चॉइस कीजिए, ऑप्शन नंबर वन, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर है, ना तो ए और ना ही बी, दोनों के दोनों गलत हैं। देख लेते हैं क्यों गलत हैं। तो सॉल्यूशन आपके सामने है दोस्तों, ये जो ऊपर दिया हुआ था कि अमेरिका के अंतर्गत है, नहीं अमेरिका के अंतर्गत नहीं है, ये किसके अंतर्गत है, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत है, मतलब कि यूके के अंतर्गत है। यूनाइटेड किंगडम को चागोस द्वीप समूह को, जो चागोस द्वीप समूह है, चागोस द्वीप समूह को मॉरिशियस में जितनी जल्दी हो सके वापस लौटाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में यह फैसला सुनाया है कि जिसमें हिंद महासागर द्वीप समूह के अपने कब्जे को अवैध बना दिया है। देख लेते हैं चागोस द्वीप की अवस्थिति का, आप देख रहे हैं इस मैप में चागोस आइसलैंड यहाँ पर है, चागोस आइसलैंड की आप अवस्थिति देख सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन इसमें सेकंड था, सेकंड ऑप्शन क्या था कि सेकंड ऑप्शन में ये दिया था क्या यह हिंद मतलब कि पैसिफिक ओशियन में, नहीं यह हिंद महासागर के अंतर्गत आता है जो कि अभी मैंने आपको बता दिया, इंडियन ओशियन में आता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो निर्भय क्रूज मिसाइल के बारे में है। तो देख लेते हैं इसके बारे में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं क्या वह सही है या गलत है। आईएएस में इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। दोस्तों अगला इसके जो पॉइंट है वो है, निर्भय क्रूज मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से लंबी दूरी की उपसोनिक क्रूज मिसाइल है, क्या यह सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। दूसरा है,
इसकी रेंज जो इसकी रेंज है वो 295 किलोमीटर तक है और यह 300 किलोग्राम तक के परमाणु वारहेड ले जा सकती है। क्या ये 300 ग्राम तक के परमाणु वारहेड को ले जा सकती है? इसका तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन यह है कि यह रूस के सहयोग से DRDO द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। तो तीसरे तीन ये ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अपना आंसर चॉइस कर सकते हैं, आंसर नंबर ए, बी, सी या डी। तो आपके सामने आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप अपना आंसर चॉइस कीजिए। दोस्तों इसमें जो आंसर है केवल पहला ही सही है, ये दोनों आंसर जो हैं गलत हैं। स्टेटमेंट दो और स्टेटमेंट तीन ये दोनों गलत हैं, और पहला जो स्टेटमेंट है इसमें यह सही है। पहला स्टेटमेंट है कि यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से, मतलब कि स्वयं बनाई हुई है, स्वदेशी रूप से लंबी दूरी की उपसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये पहला ऑप्शन सही है। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन, तो देख लेते हैं ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वे क्यों गलत हैं। देखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपके सामने दोस्तों है, सॉल्यूशन है कि जो ये निर्भया है, ठीक है, निर्भया भारत की पहली स्वदेशी रूप से लंबी दूरी की उपसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये हमारे इंडिया के द्वारा बनाई गई है, जिसमें हमने किसी की भी कोई सहायता नहीं ली है, तो ये हमारे इंडिया की खुद की मेडअप है। बढ़ते हैं आगे कि ये जो है प्रसिद्ध अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल के बराबर है। तो किसके बराबर है ये? टॉम हॉक मिसाइल के बराबर है। कौन? निर्भया टॉम हॉक मिसाइल के बराबर है। मिसाइल जो निर्भया मिसाइल है वो एक दो चरणीय मिसाइल है। इसमें क्या है कि आप 0.6 से 0.7 मंच की गति से 300 किलोग्राम तक के परमाणु वारहेड ले जा सकते हैं। जो परमाणु वारहेड है आप 300 किलोग्राम तक ले जा सकते हैं। और ये कैसी है? ये डबल मिसाइल है, मतलब कि टू स्टेज मिसाइल। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट इसका यह है कि भारत ने रूस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित की थी, लेकिन उसे निर्भया को विकसित करने के लिए अकेले ही जाना जाता है, जिसकी सीमा 1000 तक है। मतलब हमने जो रूस के साथ बनाई थी, तो रूस के साथ हमने निर्भया मिसाइल नहीं बनाई बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी। तो दोस्तों याद रखिए कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का विकास जो है हमने भारत और रूस ने मिलकर किया है, मतलब हमने रूस की मदद से कौन सी बनाई है? ब्रह्मोस। तो ये याद रखना है आपको। अगला है यह मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल MTCR की वजह से है। तो ये जो है मतलब कि किसकी वजह से है? MTCR टेक्नोलॉजी की वजह से है। आपने हस्ताक्षरकर्ता देशों को 300 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी के साथ क्रूज मिसाइल विकसित करने वाले अन्य देशों को तकनीकी सहायता या प्रदान करने से रोकता है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रकार ब्रह्मोस की रेंज MTCR द्वारा निर्धारित सीमा के तहत 995 किलोमीटर की दूरी पर कैप की गई है। तो ये था निर्भया मिसाइल के बारे में, जो कि आजकल काफ़ी न्यूज़पेपर में चर्चा में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसके ऊपर है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये जो है हायाबूसा 2 के ऊपर है। हायाबूसा 2 क्या है, इसके बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं, तो आप सोच लीजिए जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि हायाबूसा जो है कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आपको बताना है कि हायाबूसा जो है वह किसके साथ जुड़ा हुआ है? एरोज या वेनू या रायगू या इटोकोबा। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन हैं, आपको चॉइस करना है इसका सही आंसर। तो दोस्तों मैं इसका सही आंसर आपको बता देती हूँ। इसका सही आंसर है RYUGU, रायगो। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आपके सामने इसके पॉइंट दिए हैं। तो आपके सामने सबसे पहला पॉइंट है हायाबूसा 2 एक जापानी जांच है। क्या है? ये एक जापानी जांच है। तो आपको याद रखना है कि हायाबूसा जो है, हायाबूसा 2 एक जापानिक जांच है, जिससे जीवन की उत्पत्ति
के जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है और सौर मंडल के बारे में सुराग के लिए एक शुद्ध ग्रह से नमूने एकत्रित करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, कहाँ भेजा गया है? शुद्ध ग्रह से नमूने एकत्रित करने के लिए भेजा गया है। अगला पॉइंट है इसमें, इसने रुगु के क्षुद्र ग्रह की सतह पर एक गोली भी चलाई है। अगला पॉइंट है, रुग्यु शुद्र ग्रह में, जो रुग्यु शुद्र ग्रह है उसमें 4.6 बिलियन साल पहले सौर प्रणाली के जन्म के समय में अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और पानी शामिल है। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें है, इसे दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था और 2020 में इसके नमूने के साथ पृथ्वी पर लौटने का कार्यक्रम है। लास्ट पॉइंट है, जांच अपने कैमरे और संवेदन उपकरण के साथ शुद्ध ग्रह की सतह पर यह निरीक्षण करेगा। तो किसके करेगा ये? शुद्ध ग्रह की सतह पर निरीक्षण करेगा, जो कि एक जांच करेगा शुद्ध ग्रह की। ठीक है, तो ये जो है जो हायाबूसा 2 है, एक जापानी जांच है। तो आपको याद रखना है कि ये हायाबूसा 2 का क्या क्या कार्य है, इसे जीवन की उत्पत्ति और सौर मंडल के बारे में सुराग के लिए शुद्र ग्रह से नमूने एकत्रित करने के लिए भेज